फ्रेंड्स, मैं अश्विनी कामत मेरे चैनल कामत्स वेज एंड नॉन वेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ गार्लिक ब्रेड। ये डोमिनो स्टाइल वाला गार्लिक ब्रेड आप घर में ही बना के खा सकते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए बताती हूँ। ये है अमूल बटर, हाफ बाउल लिया है मैंने। ये है चीज़, मोजेरेला और प्रोसेस चीज़ मिक्स है इसमें। आप मोजेरेला चाहिए तो मोजेरेला भी ले सकते हैं। ये है कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड बारीक कट किया हुआ। ये है 1 टीस्पून ओरेगानो, 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स। मिक्स्ड हर्ब्स आपके पास नहीं है तो अवॉइड कर सकते हैं। ये है चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून, ग्रीन चिलीज चॉप्ड लिया है मैंने, 3 to 4 ग्रीन चिलीज। आप ग्रीन चिलीज नहीं चाहिए तो अवॉइड कर सकते हैं, बच्चों को देना है तो। ये है ग्रेटेड गार्लिक, छिलका निकाल के ग्रेट किया है मैंने। ये है नमक स्वाद अनुसार। और ये है ब्रेड स्लाइस, 4 लिया है मैंने। नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी एक मिक्सिंग बाउल लिया है। मिक्सिंग बाउल में आपको अमूल बटर जो मैंने आपको बोला था वो लेना है। फिर इसमें ग्रीन चिलीज, ये सब मिक्स करते जाना है। ये है चिली फ्लेक्स, ओरेगानो और मिक्स्ड हर्ब्स, ये ग्रेटेड गार्लिक। ये मेन इंग्रेडिएंट्स गार्लिक ही है इसमें, गार्लिक ब्रेड बोलते हैं। और कोरिएंडर लीव्स चॉप्ड और नमक स्वाद अनुसार डालिए थोड़ा सा। अमूल बटर में नमक रहता है इसलिए देख के थोड़ा सा डाल दीजिए। देखिए ऐसे करके आपको ऐसे सब अच्छी तरह से ऐसे स्मैश करते हुए मिक्स करना है। बटर आपको रूम टेम्परेचर का लेना है। फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लिया है। इसे गार्लिक बटर बोलते हैं। देखिए ऐसे होता है। इसे आपको अभी ऐसे थोड़ा थोड़ा लेके ये ब्रेड स्लाइस जो हमने लिया था उसके ऊपर ऐसे स्प्रेड करना है अच्छी तरह से। आपको कितना कम चाहिए तो कम डालिए, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा लेके ऐसे देखिए फुल ऐसे स्प्रेड कर लीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसके ऊपर चीज़ जो मैंने बोला था आपको, ये ऐसे, अगर आपको चीज़ अच्छा नहीं लगता है तो ऐसे ही स्टफ़ करके फ्राई करके खा सकते हैं। देखिए चीज़ ऐसे डाल दिया है मैंने। फिर और एक स्लाइस ब्रेड लेना है, इसके ऊपर भी ऐसे ऐसे लगा लीजिए। ऐसे अच्छी तरह से लगा लीजिए। फिर जो हमने ऐसे स्टफ़ करके रखा था चीज़, उसके ऊपर ऐसे लगा लीजिए। फिर इसके ऊपर फिर से ऐसे आपको ऐसे लगा लेना है। देखिए अभी फ्राई कैसे करते हैं दिखाती हूँ तवे पर। फ्रेंड्स देखिए, मैंने अभी एक तवा गरम कर लिया है, उसके ऊपर ऐसे देखें, हमने जो ऊपर लगाया था ये ऐसे नीचे आना चाहिए। ऐसे ऐसे फ्राई करना है आपको, अभी थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। देखिए फिर से इसके ऊपर ऐसे लगा लीजिए। आप एक बार खाओगे तो फिर से बार बार बना के खाएंगे। देखिए ऐसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए फिर से। फिर इसको अभी दोनों तरफ से ऐसे लाइट ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना है। ये झटपट बन जाता है फ्रेंड्स, ऐसे लो फ्लेम में ऐसे फ्राई कर लीजिए। दोनों साइड लाइट ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना है फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा ब्राउन होना है, अभी हो गया है हमारा। प्लेटिंग दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, हमारा गार्लिक ब्रेड ऐसे रेडी हो गया है।
बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको ये कभी कट करके दिखाती हूँ। देखिए चीज़ कैसे, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ये गरम गरम शाम के वक्त भी आप स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं, सुबह भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल कामस वेज एंड नॉनवेज में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स। If you like our videos, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. And don't forget to click the notification bell for more updates. Thank you.